नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुबांश क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए नंबर सिस्टम की एक पजल जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है किसी भी परीक्षा की दृष्टि से। यदि आपको ये पजल हल करना आ गई तो आपको ऐसे ही 10 पजल आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखते हैं, दो पहले में 9 है, दूसरे में 16 है और तीसरे में हमें क्वेश्चन मार्क है। जहाँ क्वेश्चन मार्क होता है हमें वही फाइंड करना होता है, तो हमें तीसरे का क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है। तो हम देखेंगे, हमने जैसी पिछली पजल हल की है तो क्या इसका भी कुछ हो सकता है क्या। तो पहले दो संख्याओं का गुणा कराएंगे तो 108 होता है, 108 में 3 का भाग देंगे तो 9 नहीं आएगा। इसी प्रकार यहाँ करेंगे तो 16 नहीं आएगा। तो हम दूसरा सोचते हैं, क्या दूसरा कुछ कर सकते हैं? इन तीनों का योग 9 के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो एक ये हो सकता है कि ये पहली और तीसरी संख्या को जोड़ दिया जाए, दूसरी में घटा दिया जाए तो 9 आ जाएगा। लेकिन क्या यही हो सकता है? इसमें 8 दो 10 जोड़ देंगे लेकिन 4 को घटाएंगे तो ये माइनस की संख्या आ जाएगी, लेकिन यहाँ लानी हमें 16। तो हमारी ट्रिक अब ये भी फेल हो गई। तो हम अब ये सोचेंगे, क्या इनका इनका गुणा कराने से 6 का भाग देने से क्या 9 आ सकता है? तो 18 * 54 में 6 का भाग देंगे, क्या आएगा? 9। तो ये ट्रिक कुछ काम कर रही है। तो स्टार्ट करेंगे ऐसे, दूसरे में देखेंगे। यदि दूसरे में काम नहीं कर रही तो ट्रिक नहीं लगानी है। तो पहले का दूसरे में, दूसरे का तीसरे में गुणा कराएंगे तो 8 * 32, 32 में 2 का भाग देंगे 16 आ जाएगा। तो हाँ, ये ट्रिक हमारी काम कर रही है। तो पहले में क्या कराना है? दूसरे का तीसरे का गुणा कराना है और पहले से भाग दे देना है। दूसरे तीसरे गुणा और पहले से भाग दे देना है। तो क्या कराएँ? 8 * 32 और 2 का भाग देंगे 16, 18 * 54, 54 में 6 का भाग देंगे 9। इसी प्रकार आ जाएगा, इसका कराएंगे 12 * 5 = 60, पहली दो संख्याओं का गुणा फिर तीसरी का भाग। 12 * 5 = 60, 60 में 10 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 6, 6 राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दर्शन।